मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल क्या होगा ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता, केवल महादेव बता सकता। हमारे पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कर्म, हमारे माता पिता का कोई अच्छा किया हुआ कर्म, जैसे गुल्लक बच्चा भरता है और गुल्लक भरने के बाद छोड़ता है तो कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, 30,600 श्वास में से ना जाने कितनी श्वास व्यर्थ जा रही है और ना जाने कितनी श्वास परमात्मा के भजन में आ रही है। जब वो परमात्मा के भजन में जो श्वास जा रही है, वो श्वास जब भराती है, जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचने का मौका। कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण मात्र स्मरण सुख का देव। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव, 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेल पत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। विचार और जल ये दोनों गंदे नहीं होना चाहिए। विचार और जल अगर गंदे हैं, जल गंदा है तो आपको स्वस्थ नहीं होने देगा, आप बीमार की बीमार रहेंगे। जल गंदा है तो शरीर बीमार कर देगा और अगर विचार गंदे हैं तो वो मन गंदा कर देगा, आपकी सोच। प्रदोष के दिन भगवान, प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकल गए। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकल गए। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः और प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः में, दोपहर में, 4 पहर के अंतर्गत रात्रि के भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। केवल एक फुलेरा दूध और हरताली का तीज एक ऐसी होती है जिसमें फुलेरा बनता है और जिस फुलेरा दूज के दिन और हरताली का तीज के दिन शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं।